हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर 2307 में आपका बड़े दिल से स्वागत है। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर स्टॉक ने, देख सकते हो कि 108 तक गया हुआ था स्टॉक। अगर गया था हाई, अपना जो हाई बनाया हुआ था वो 108 तक गया हुआ था। और स्टॉक किस लिए लगातार आपका बढ़ता जा रहा है, और स्टॉक में मैं लगातार आपको 70 के आसपास से बोल रहा हूँ कि इस बार 80 का जो रेजिस्टेंस है, 80 का जो इस स्टॉक का रेजिस्टेंस था, वो 8 साल में स्टॉक 8 ईयर्स में 80 का रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया था। 8 साल बाद 80 का रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और अब बन चुका है प्रॉफिटेबल कंपनी। टेक्सरेल बन चुका है प्रॉफिटेबल कंपनी। तो इसी वजह से आपका पहले 600 वागन पर मंथ बनाता था, कितना 600 वागन पर मंथ, अभी वो बना रहा है 750 वागन पर मंथ। तो इस वजह से आपका प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, और कितना रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा वो 3 अगस्त को रिज़ल्ट आने वाला है कंपनी का। 3 अगस्त 2023 में रिज़ल्ट डिक्लेयर करने वाला है। साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया न्यूज़ आ सकता है 3 अगस्त को। तो जो लोग इन्वेस्टर हो पहले से मेरा वीडियो देख के, तो उनके लिए होल्डिंग का सलाह रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। और अभी क्या है कि टेक्निकल लेवल भी इसका RSI देखोगे तो RSI आपका 84 में है, जो 70 से बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में है। और MFI देखोगे तो MFI भी लगभग 86 में है। तो दोनों ही आपका MFI और RSI दोनों ही आपका ओवरबॉट जोन में है। तो 84 मोर देन 70 है, 70 को कंसीडर किया जाता है ओवरबॉट जोन, और 84 को किया जाता है स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन। तो इस वजह से थोड़ा सा डाउन जाके मंडे एक अच्छा खासा ओपन हो सकता है। और अभी बिल्कुल होल्ड करें जो लोग पहले से बाई की हो, अब 86 से 95 के बीच अगर आपका बाइंग है तो आपको बिल्कुल घबराने का कुछ नहीं है, होल्ड कर सकते हो। 3 अगस्त आपको नज़र में रखना है, 3 अगस्त के दिन इसका क्वार्टर रिजल्ट है, क्वार्टर वन का। और साथ ही साथ आपको हो सकता है कि 3 अगस्त आते आते आपको 20% तक का टारगेट आपको मिल जाए। वैसे 250 का मैंने टारगेट दिया है, 250 प्लस का टारगेट, क्योंकि इनिशियल पीरियड में ये स्टॉक मुझे लगता है कि 250, क्योंकि 8 साल के बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, इस वजह से इनिशियल टर्म में 100 पॉइंट का तो लगभग जंप दिखाता है। उस हिसाब से मैंने 250 का टारगेट दिया है। उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा गिरावट हो, और फिर कंसोलिडेट के बाद वो अपना रेवेन्यू के हिसाब से फिर बढ़ता रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है, प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुका है। और गवर्नमेंट का, जैसे आत्मनिर्भर भारत का, मेक इन इंडिया का, जितने भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, जितने बारीकी से गवर्नमेंट अपना खुद के इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहा है, प्रमोट कर रहा है, उस हिसाब से इन स्टॉक का बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है। तो देख सकते हो आप अच्छा खासा। और सबसे बड़ी बात है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 2 हफ्ता पहले आपका फंड रेजिंग के बाद बोला था, तो वो QIP के थ्रू हो सकता है कि शेयर होल्डर के शेयर को आपका बाईबैक कर ले, या तो फिर राइट इशू के माध्यम से भी हो सकता है। तो इसी वजह से इस स्टॉक में आपको नज़र रखना है। और इसका सपोर्ट देखा जाए तो 90, जो एक्चुअल में इसका जो सपोर्ट निकल कर रहा है वो बहुत बढ़िया, आपका सपोर्ट के आसपास ही आपका देखना पड़ेगा अभी। और ये स्टॉक आपको बहुत ही जल्द 120 से लेके आपको 130 तक, आपका 3 अगस्त तक आपको 120 से 130 तक दिखा सकता है। और बाकी सपोर्ट 100 रुपये इसके लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरा एनालिसिस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लेना अभी के चैनल मनी मेकर 2307। थैंक्स फॉर वॉचिंग।